الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مأذن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برادران اسلام معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایصال ثواب کا ثبوت اور اس کے برکات اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور سنت کے عظیم گلشن سے چند مہکتے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اے مولا کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل قلب و جگر میں بسانے مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین اعظم کا دور آیا اس دور میں دین اسلام کے اندر بعض فرقے پیدا ہو چکے تھے ان میں سے ایک فرقہ جو رافضی کہلاتا ہے اور انہی کی نسل آج کل آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ آج کل اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں ایک اور فرقہ تھا جو خارجی تھا جو اہل بیت کی مخالفت کرتا اور حضرت علی شیر خدا کا سخت ترین مخالف تھا اور ایک اور فرقہ اس کا نام معتزلہ تھا یہ تین فرقے بد مذہب کہلاتے تھے ایک رافضی دوسرا خارجی اور تیسرا معتزلہ صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور کے اندر ان تینوں فرق باطلہ کا وجود ہو چکا تھا اور ایک ایسا گروہ ہے جو سچا پکا مسلمان تھا صحابہ کو بھی دل و جان سے مانتا تھا اور اہل بیت سے بھی والہانہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا اس گروہ کا نام ہے اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کے دور سے لے کر یہ گروہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک جو ہے یہ گروہ قائم رہے گا اور اہل حق یہ فقط اہل سنت و جماعت ہے زمانہ تابعین میں معتزلہ کا جو گروہ تھا
उसने नए अकायद को गरा और वजूद बख्शा। मिसाल के तौर पर वो ये कहने लगे मुर्दे नहीं सुनते, जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, सहाबा इस बात पर यकीन रखते हैं जब इंसान मर जाए तो फिर इसके बाद उसकी समाअत में मजीद इजाफा होता है और वो मुर्दा जिंदों की आवाजों को सुना करता है। ये अहले सुन्नत व जमात का जो नजरिया है दौरे सहाबा से चला रहा आज तक कायम दाइम है और बफ़ज़ले तआला कयामत तक जो है कायम दाइम रहेगा। लेकिन मुतज़िला गिरोह ने सबसे पहले इस फिक्र की तर्दीद कर दी, इनकार कर दिया, कहा नहीं मुर्दे नहीं सुनते। और इसी तरीके से उन्होंने जिस्मानी मेराज का भी इनकार किया, ये मुतज़िला फिरका था। और इसी तरीके से इस फिरके ने यह भी कहा, जो कि एक जदीद अकीदा इन्होंने कायम किया और जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी, जाहिर बात है ऐसे फासिद अकायद यकीनन ये बिदअते सैया है, जिसके मुतालिक मेरे आका ने बिल्कुल वादे फरमा दिया कि जो इसका मुर्तकिब है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये बात ज़हन में रखेगा। तो अब ऐसे फासिद अकीदे ज़माने ताबईन में जो दौरे सहाबा के बाद था ये उन्होंने ईजाद कर लिए। मुतज़िला कहने लगा मुर्दे नहीं सुनते, मुतज़िला कहने लगा कि ये सफरे मेराज की कोई हकीकत नहीं है। तो साथ में ये भी कहने लगे कि ये जो ईसा ने सवाब है, ये जो मुसलमान समझते हैं मुर्दे को सवाब पहुंचता है, जब हम कुरान की तिलावत करें, अहदीस मुबारका का विद करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, तो हमारे मरहुमीन को उसका सवाब पहुंचता है। इन्होंने कहा इसकी कोई हकीकत नहीं, इनकार कर दिया। पता चला आज के दौर में जो मुनकिरीन ईसा ने सवाब के मौजूद है, अगर आप ये बात कहें तो बिल्कुल बजा है, ये मुतज़िला की नस्ल है, जिसको आप कह दें अब नाहे मुतज़िला है, जिन्होंने इनकार किया ज़माने ताबईन में और फिर इनके मानने वाले आज तक इनकार करते आ रहे हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात दौरे सहाबा से लेकर आज तक और कयामत तक ये बरमला कहते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो नेक अमल करते हैं वो हमारे मुस्लिमीन मरहुमीन को रब पहुंचा देता है। और इसी उनवान का नाम है इसाल सवाब। इसाल का माना यही है पहुंचाना, और सवाब आप समझते हैं मतलब ये हुआ सवाब का पहुंचाना। अब मैं आपके सामने इस हवाले से कुरान की आयत जो सूरह हशर की है पेश करना चाहता हूं। रब जलील ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, वो हजरात जो जा चुके हैं और फिर इनके बाद कुछ और लोग आ गए। अब जब और लोग आए कुछ जाने वालों के बाद, वो अपने से पहले जाने वालों के मुतालिक रब की बारगाह में कहते हैं यकूलून रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, ए मौला हमसे पहले जो मुसलमान गुजर चुके हैं तो अपने फजल से इनकी बख्शिश फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अब ये जो अंदाज होगा बाद वालों का होगा, और कुरान इस अंदाज को बतौरे तारीफ और बतौरे सताइश पेश करता है। जब बतौरे सताइश और तारीफ पेश करता है तो ये बात वादे हो गई कि यकीनन जब बाद में कोई दुआ करता है उस दुआ का फायदा मरहूमीन को पहुंचता है, ये कुरान ने वादे कर दिया। और ये हमारी सबसे अव्वल दलील है जो ईसा अलैहि सवाब के हवाले से है और जिससे वादे हो जाता है कि ये समझना कि मर गया मर्दूद ना फातिहा ना दुरूद, ये सोच हमारी नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं वो तुम्हारे होंगे,
जो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब जाते हैं हम नेक अमल करते हैं उनका सवाब पहुंचाने का इरादा करते हैं रब पहुंचा देता है, पहुंचाने वाला रब की रात है। यही वजह है कि आज हम कभी सौम करते हैं, कभी दसवां, कभी चहलम, कभी बरसी, कभी उर्स, कभी ग्यारहवीं, कभी नियाज़े मुहर्रम, कभी छठी, ये सब रंग है, अलग 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 शक्लें हैं, लेकिन आप इन सब की तह तक जाए तो सब के अंदर एक ही चीज जो कॉमन और मुश्तरक है वो सवाब का पहुंचाना है, वो सवाब का पहुंचाना है। इसका मतलब ये है अगर आज कोई शख्स स्वयं का इनकार करे, चहलम का, बरसी का, उर्स का, ग्यारहवीं का, बारहवीं का जो इंकार करता है, बज़ाहिर तो ये लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा है मैं स्वयं को ना मानो या फिर मैं चहलम को ना मानो, बरसी को ना मानो, लेकिन एक बात ज़हन में रखेगा हकीकत ये है, दर हकीकत ये इसाले सवाब का इंकार कर रहा है। और इसाले सवाब का इंकार किसी सहाबी ने नहीं किया, ताबेईन ने नहीं किया, ना किसी दीन इस्लाम के अकाबिरीन में से किया है, बल्कि हर एक यही कहता है सवाब पहुंचता है, इसाले सवाब। सबका नजरिया एक ही है। अब मैं सबसे मुस्तनद किताब बुखारी शरीफ वहां की हदीस मुबारक पेश करता हूं। बुखारी से जिल अव्वल का मुताला करें। हजरत सैयदा आयशा अफीफा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस को रिवायत करती है। उन्होंने इरशाद फरमाया बारगाह रिसालत में एक शख्स आ गया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं अपनी वालदा की जानिब से सदका कर दूं, इन तसद्दक्तु अन्हा, तो क्या मेरी वालदा को सवाब पहुंचेगा, का फहल लहा अजरुन। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने उसकी बात को समाप्त किया और इरशाद फरमाया कल नाम, हाँ अगर तू अपनी वालदा के लिए किसी चीज को सदका करता है और वो सदके की शक्ल किया है, इसका तस्करा इस रिवायत में नहीं है, किसी भी अंदाज में, तो अपनी वालदा के इशारे सवाब के लिए, सवाब को पहुंचाने के लिए सदका करेगा, मेरा आका ने फरमाया नाम, हाँ उसका सवाब पहुंचता है। ये बुखारी की हदीस है। कुरानी आयत ने भी मसला वादे कर दिया और बुखारी की हदीस ने भी ये मसला वादे कर दिया कि हम बाद में जो अमल करते हैं उसका अजर सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचता है। एक और हदीस मुबारक जो इमाम बेहकी ने पेश की है बेहकी शरीफ के अंदर, वो रिवायत हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। बारगाह रिसालत में सवाल हुआ हमारे मरहूमीन मुस्लिमीन जो चले गए हैं, अगर हम उनकी जानिब से कोई नेक अमल करें, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, या उमरा या हज उनकी जानिब से कर ले, तो क्या हम वो जो अजर करेंगे उनका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इनायत फरमाया, फरमाया कि ना सही सवाब पहुंचता है, बल्कि फरमाया जैसे तुम एक दूसरे को तहाइफ और गिफ्ट देते हो उसका अजर सवाब पहुंचता नहीं पहुंचता, यानी वो तहाइफ और गिफ्ट जो देते हो सामने वाला खुश होता या नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछने पर इरशाद फरमाया हाँ, जब हम अपने बिरादर को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो सामने वाला खुश होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जैसे जिंदों को जब तुम गिफ्ट और तहाइफ देते हो वो खुश होते हैं, फरमाया उससे ज्यादा जब मुर्दों को इशारे सवाब करते हो तो मुर्दे तुमसे खुश होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, माँ या बाप का इंतकाल हो गया, जिंदगी में बड़ी खिदमत करता, माँ की खिदमत भी करता था, बाप की खिदमत भी करता था, अगर तू खिदमत करता तेरी अजमतों को सलाम है, तेरी बड़ी शान है तू माँ की खिदमत करता था, खिदमत गुजार था, तो बाप की खिदमत करता था तो इतना अजीम खिदमत गुजार था, लेकिन याद रखिएगा खिदमत की तूने जन्नत को पा लिया, लेकिन अब तू चाहता है कि तेरी माँ या बाप का इंतकाल हो गया और कब्र में भी वो खुश होते रहे,
तेरा चेहरा सामने आए, तेरी बारगाह से तहाई और गिफ्ट आ जाए तो खुश हो, खुदा का शुक्र अदा करे, मौला कितना प्यारा बेटा मिला, मौला कितनी प्यारी बेटी मिली है। तो फिर याद रखिएगा, उनके मरने के बाद आप कभी कुरान पढ़ लें, आप दुरुद पढ़ें, नफल पढ़ें और अस्कार पढ़ें और रब की बारगाह में कहें, मौला जो अजर सवाब तो मुझे देना चाहता है, मैं वो अजर सवाब अपनी वालदा को इस साल करता हूँ। तो फिर ये समझे के हमारे यहाँ जुमला कहा जाता है, कहते हैं रूहानी खुश होगी, ये लफ्ज कहा जाता है, मेहमानों में तो इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसका मतलब है कि रूह खुश होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमारी माँ हमसे खुश होती रहे, हम खिदमत करें। अब पहले जब जिंदगी में थी तो पांव दबा दिया, सर दबा दिया, पानी मांगा तो पानी दे दिया, दस्तरखान लगा दिया, कहा बेटा ये ले आ, लेकर आ गया, माँ को भी खुश किया, बाप को भी खुश किया। अब कहता है माँ और बाप तो कब्र में चले गए, अब मैं कैसे पांव दबाऊं, कैसे सर दबाऊं, कैसे पानी पेश करूं, कैसे खाना खिलाऊं और कैसे प्यार और मोहब्बत से लुकमा अपने आस से उठाकर उनके मुंह में डालो। रब ने सिखला दिया, इस्लाम ने बतला दिया, सब एक चीज के अंदर मुजमर है। जब मर जाए तो कुरान पढ़ पढ़ के इसाल कर, गोया इसका मतलब यह है तूने पांव भी दबा दिया और लुकमा भी उनके मुंह में डाल दिया। ये बात ध्यान में डालेगा। अब सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, वो क्या, तो कुरान पर इसाल करता जा, तो दुरूद पर इसाल करता जा, तो अस्कार पर इसाल करता जा, इसलिए कि अब तुझे पांव दबाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे सर दबाने की जरूरत नहीं है, अब तेरी मां तुझसे पानी नहीं मांगेगी, बेटा पानी लेकर आ। जैसे माँ ने कहा, दौड़ता लपकता फौरन पानी लेकर आ गया, माँ ने मांगा है, बाप ने मांगा है, नहीं अब माँ बाप की ये खिदमत तो खत्म हो गई, जो तूने किया अगर किया तो जन्नत मिल गई, लेकिन अब तू चाहता है ये खिदमत के सारे रंग मैं सर अंजाम देता रहूं, तो याद रखिएगा उसका तरीका यही है जो मैंने आपके सामने अभी पेश कर दिया। हदीस मुबारक सुनिए, मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शरह सुदूर के अंदर ये रिवायत है, हाफिज़ुल हदीस अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलरहमा इस हदीस को दर्ज करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन दखलल मकाबिर, जो शख्स कब्रिस्तान गया, यहां इस बात पर गौर कीजिएगा, आगे जो फजीलत में बयान कर रहा हूं, जो नबी ने बयान की है, ये फजीलत उसके लिए है जो घर में पड़े उसके लिए नहीं है, ये वाली फजीलत, या मस्जिद में पड़े उसके लिए नहीं है, या फिर दुकान गोदाम में सड़क पर पड़े तो उसके लिए नहीं, बल्कि जो फजीलत मैं बयान करने लगा हूं, मेरे आका ने उसे वादे किया, मन दखल अल मकाबिर, कब्रिस्तान में गया। कब्रिस्तान में हम जाते ना कभी, माँ की कब्र पर, बाप की कब्र पर, भाई की, बहन की, अजीज अकारिब रिश्तेदार, उनकी कब्र पर जाते हैं। फरमा कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, दाखिल होने के बाद फकरा सूरा यासीन, वो सूरह यासीन की तिलावत करता है। अब हमारे लोग जाते हैं मगर अल्लाह इस्लाह फरमाए, वहां भी हंसी मजाक चलती है और ये ऐसा मकाम है वहां से इंसान नसीहत हासिल करता है, इसलिए कि सोचता है कि मुझे भी जाना है कब्र के अंदर, और जब धड़कने बंद होगी सांस ठहर जाएंगे और सांस जो है वो उखड़ जाएंगे, तो फिर असल घर, असल ठिकाना जो है वो मेरा कौन सा होगा, कब्र होगा। अब वहां जाए सूरह यासीन की तिलावत करे, बड़ा सआदतमंद है कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन की तिलावत करता है, वरना अगर अव्वल तो जाना नसीब ना हो, जाए तो फिर कुछ करना नसीब ना हो, अल अमान वल हफीज, लेकिन बड़े सआदत मंद है जो कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन की तिलावत करे, सूरह मुल्क की तिलावत करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन दखल अल मकाबिर फकरा सूरह यासीन, अब वो सूरह यासीन की तिलावत करता है, खफफल्लाहु अनहुम, अल्लाह उस सूरह यासीन की तिलावत की बरकत से उस कब्रिस्तान में जितने अहले इस्लाम मदफून थे, अगर उनमें से किसी को अजाब हो रहा था तो करे कौन तिलावत और फायदा हो जाएगा अहले कुबूर को। रब क्या करेगा, तिलावत सूरह यासीन की बरकत से जिन अहले कब्र पर अजाब हो रहा था उसके अजाब को हल्का कर देगा, अजाब
खफीफ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये हुआ, पढ़ने वाला सोचने लग जाए कि चलो मेरी वजह से उसके अजाब में तकफीफ हो गई, अब मुझे क्या, मुझे भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, मेरे आका ने इसे वादे कर दिया। शायद किसी के जहन में ये सवाल उठता, सवाल उठने से कबल जो है मेरे आका लब कुशा हो गए और इरशाद फरमा दिया, फरमाया सुन लो, वकान लहू भी अदद मन फीहा हसनातुन। जिसने सूरह यासीन की तिलावत की, रब जो अजर सूरह यासीन की तिलावत पर उसे देना चाहता है वो सारा का सारा अजर उसे मिलेगा। पता चला जो कार्य सूरह यासीन है उसे भी अजर मिलेगा, उसके पढ़ने से मुर्दों को सवाब पहुंचता है। अब ये सूरत क्या, अब जरा गौर करें, अगर मुर्दे को सवाब नहीं पहुंचता था, हम हसनात और नेकियां करें, कोई अजर सवाब नहीं पहुंचता, तो फिर मैं सवाल करता हूं, सूरह यासीन की बरकत से अहले कुबूर पर अजाब मुखफ्फफ और हल्का कैसे हो गया? बात है, हल्का हो जाना इस बात की वादे दलील है। गोया हमारा ये मसला रोजे रोशन की तरह आया और वादे हो गया, जब हम सवाब पहुंचाए मरहूम को सवाब पहुंचता है, ये मसला वादे हो गया। अब आपके सामने एक और हदीस पेश करता हूं जो कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और इसके अंदर बाद लोग जो एतराज करते कहते हैं बाद लोग हम ईसा अलैहि सवाब का इंकार नहीं कर रहे, हम मानते हैं क्योंकि उन्हें डर लग गया, खौफ आ गया, कहा अगर ईसा अलैहि सवाब का हम इंकार करेंगे तो लोग समझ जाएंगे हम मोतजिला की औलाद हैं। और मोतजिला वो फिरका है, बिल इत्तेफाक उम्मत मोहम्मदी के हर एक आलिम ने अपनी किताब में लिखा और सदियों से लिखते आ रहे हैं कि मोतजिला बद मजहब है। तो कहने लगे हम ईसा अलैहि सवाब का इंकार नहीं करते, लेकिन ये जो रंग आपने चराए ना, हम इनका इंकार करते, कभी सोयम का इंकार, कभी तीजे का, कभी चहले का, कभी बरसी का, कभी उर्स का, कभी ग्यारहवीं का। तो अब मैं उनके लिए भी हदीस मुबारक पेश कर देता हूँ ताकि मसला और वादे हो जाए। बारगाह रिसालत अलैहि सलातु वस्सलाम में हजरत सैयदना साद बिन उबादा तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो आपकी बारगाह में पूछने आया हूं, आप बताएं अफजल सदका कौन सा है? अय्यु अफदलिन सदका, ये हदीस का अल्फाज के अफजल सदका कौन सा है? मेरे आका ने जवाब दिया अल मा, अफजल सदका पानी। अब वो क्या चाह रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा को इसाल करना चाहता हूं, तो सदके का नजराना पेश करना चाहता हूं। आप इस बात को वादे करें कौन सा अफजल सदका है? मेरे आका ने वादे कर दिया पानी है। यहां एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ एक अलग से तसव्वुर है, जिसको आज से 10 साल पहले अफजल जाना आज भी उसी को अफजल जानते, कहते नहीं 10 साल पहले जो अफजल था आज वही अफजल है, हरगिज नहीं। इस्लाम यह सिखलाना चाह रहा है, मैंने किताबों का मुताला किया, जो उसूल की किताबें हैं, अब हुस्सामी जो उसूल फिक की किताब है वहां ये मसला बिल्कुल वादे लिख दिया, फरमाया जिस चीज की जरूरत मुसलमानों को ज्यादा हो उसका सदका उस दौर में करना सबसे अफजल है। अब उस जमाने में मदीने में पानी नहीं था, मीठा पानी बहुत कम मिलता था, मीठा पानी नहीं था, तो उस जमाने में पानी के मुसलमानों की जरूरत थी, पानी की बड़ी किल्लत थी, मेरे आका ने फरमा दिया कि पानी सदका करो। अब आज के दौर में मुसलमानों को जिसकी जरूरत ज्यादा है उसका सदका करना अफजल होगा। अब बाल लोगों ने कहा नहीं, हम तो मुर्गी का सदका ही करेंगे, हमने आटे का सदका ही करना है, हमने अंडे का सदका ही करना है, हमें बकरे का सदका ही करना है। याद रखिएगा, ये हमारी सोच है, इस्लाम जो सोच देता है वो ये सोच देता है कि आप सोचे इस दौरे हाजिर में मुसलमानों को किस बात की जरूरत है, जिसकी अशद जरूरत है, आप वो सदका करें, उस दौर में वही सदका सबसे अफजल है, इसलिए कि उस दौर में जो मेरे आका का दौर था पानी की किल्लत थी, मेरे आका ने वादे कर दिया पानी सदका करो, ये सबसे अफजल सदका। जब हजरत सैयदना साद बिन उबादा ने सवाल किया, मां का इंतकाल हो गया, मेरे आका ने फरमाया पानी सदका करो, हजरत साद बिन उबादा ने एक कुआं खुदवाया
और उस कुएं का नाम रख दिया गया ले उम्मे साद। ये कुएं का नाम है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो कुआं खुदवाया किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए ना। मुसलमान पानी पिएगा उसका अजर सवाब वालदा को पहुंचाना है। लेकिन आज भी आप तारीख मदीना उठा लेना, मदीने की तारीख पर जितनी किताबें लिखी गई सारी किताबों को आप उठा ले, हर किताब में बाकायदा हेडिंग दी हुई होती है। जब आबार का तस्करा आता है कि उम्मे साद, इस तरीके से हेडिंग दी होती, यानी इसका मतलब है बेरोले उम्मे साद, उम्मे साद का ये कुआं है। इसका मतलब है कि कुआं अल्लाह की रजा के लिए था, लेकिन मंसूब किसकी तरफ कर दिया? हजरत उम्मे साद की तरफ कर दिया। तो कसम खुदा की ईसा ले सवाब गौसे आदम को है और अजर अल्लाह से मिलेगा और अल्लाह देगा, लेकिन नाम क्या रख दिया? ग्यारहवीं। जब हमने ग्यारहवीं रखा तो मिर्ची लग गए और सहाबी ने नाम रखा ले उम्मे साद, पता नहीं कितनी बड़ी मिर्ची लगी उन्होंने, तो वो नाम रख दिया ले उम्मे साद। तो जब उन्होंने नाम रखा ये अहले इस्लाम है, तो फिर चौदहवीं सदी में अहले सुन्नत ग्यारहवीं नाम रखे तो फिर क्यों जलन हो जाती है? यहां से मसला वाज़े हो गया। ये सारा ईसा अलैहि सलाम, लेकिन इसके रंग जो है वो अलहदा अलहदा है। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक वाकया पेश करना चाह रहा हूं, उस वाक्य को समाप्त कर ले, इससे ये मसला भी वाज़े हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सवाब पहुंचता है। और वो मसला ये है, आपने नाम सुना होगा हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार का। अब किताबों का मुताला करें, किताबों के अंदर तसव्वुफ की किताबों में बड़ा नाम मिलता है हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार। बहुत बड़े सूफी हैं और वालिद का ये मकाम था कि कश्तीबान जब उजरत मांगने लगा तो आप खामोश हो गए, और जब वो आपकी बेइज्जती करने लगा तो आप उन्हें दरिया में ऐलान किया कि मुझे एक मोती दो, मुझे किराया देना है। तो चारों तरफ मछलियां आ गई, हर मछली के मुंह में दीनार था, इससे पड़ गया मालिक बिन दीनार। इतनी बड़ी हस्ती के बेटे हजरत सैयदना मालिक फरमाते हैं, शबे जुमा थी, मैं कब्रिस्तान गया। अब शबे जुमा में कब्रिस्तान जाना या किसी और रात में जाना, उलमा ने मना फरमाया कि आम आदमी ना जाए रात में कब्रिस्तान में, ऐसा ना हो कि कोई पर्दा उठ जाए, कुछ मंदर देख ले, बेचारा परेशान हो जाए, डर जाते हैं ना लोग। तो उलमा ने कहा रात के वक्त ना जाओ, अगर जरूरत है तो जाओ, जैसे तदफीन के लिए जाना है तो वो तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन बिला जरूरत आप कब्रिस्तान रात में ना जाए, दिन में जाए। लेकिन ये हुक्म आम लोगों के लिए है, आमतुन नास के लिए। लेकिन हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार तो एक अजीम सूफी थे, और सूफिया इकराम तो रात को जाते थे ताकि नसीहतें हासिल करें और ताकि दिल के अंदर मजीद सोदो गुदाद पैदा हो जाए। तो हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार शबे जुमा गए। शबे जुमा का मतलब क्या हुआ? अभी जुमा चल रहा है, जो रात चलेगी कौन सी है? शबे जुमा। शबे जुमा को तशरीफ ले गए। जब रात कब्रिस्तान में गए तो आपने देखा कब्रिस्तान में नूर ही नूर बरस रहा है, रब ने पर्दा उठा दिया। शरह सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने इसको लिखा, फरमाया जब कब्रिस्तान में गए तो हर तरफ नूर बरस रहा था। जब हर तरफ नूर बरस रहा है तो हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार अपने मन में कहने लगे, ये क्या बात है, लगता आज तो जो है अहले कब्रिस्तान की बख्शिश हो गई है, और वो नूर मैं और आप जाए तो नजर नहीं आएगा, उसको देखने के लिए भी आंखें चाहिए, और वो आंखें मालिक बिन दिनार वाली चाहिए, बाबा फरीद गंज शकर वाली चाहिए, दाता गंज अली हजवेरी वाली चाहिए, गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिमुर रहमा जैसे आंखें चाहिए। हजरत मालिक बिन दिनार जब नूर की बारिशों को देखने लगे, कब मैं दिल में सोचने लगा आज तो लगता है सारे मुर्दों की बख्शिश हो गई है, हर तरफ नूर ही नूर नजर आया, ये ट्यूबलाइट नहीं, ये सेवर बल्ब नहीं था, वो नूर कोई और था। हम तो नूर शायद ये समझ पड़े बल्ब चला दो तो बोला ये अब हो गया, ये नूर अब होगा तो हमारा होगा, लेकिन मैं उस रूहानी नूर की बात कर रहा हूँ, जब देखा तो लगता है कि आज कब्रिस्तान में सबकी बख्शिश हो गई। अब सोच रहे थे कि अचानक में एक आवाज आई, आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार आज कब्रिस्तान वालों की सबकी बख्शिश हो गई। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार कहने लगे, उसको आवाज आई लेकिन कौन था चेहरा नहीं पता, गैबी आवाज थी।
حضرت سیدنا مالک بن دینار کہنے لگے کہ جس کی بھی آواز ہے جو مجھے مطلع کر رہا ہے میں اسے عرض کرتا ہوں مجھے بتاؤ کیوں ان کی بخشش ہو گئی آج یہ اہل قبرستان میں آج جو رب کی رحمت نچھاور ہو رہی ہے انوار جو ہے برس رہا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایسا لگتا ہے ہر ایک مردے کو رب نے بخش دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ آج کی رات شب جمعہ آج کی رات اللہ کے ایک نیک بندے نے رات کو اٹھ کر وضو کیا دو رکعت نفل پڑی پہلی رکعت میں سورہ کافرون دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑی پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر اس نے کہا اے مولا جو اس کا اجر تو مجھے دینا چاہتا ہے میں مسلمانوں کی ارواح کو دینا چاہتا ہوں ارسال کرنا چاہتا ہوں جب اس نے رب کی بارگاہ میں یہ عمل کرنے کے بعد دعا کی رب نے اس کی برکت سے اپنی رحمتوں کو قبرستان میں نادل کر دیا اب اس کا مطلب کیا ثواب پہنچتا ہے اگر ثواب نہ پہنچتا تو فائدہ کیسے ہو گیا یہ بالکل واضح دلیل ہے جو سر و صدور کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا وظیفہ ہو گیا تو میں بھی اسے اختیار کروں اب مالک بن دینار سمجھ رہے ہیں اچھا وظیفہ ہو جائے تو ہم مجمع میں سے بھی کوئی پڑھے تو سبحان اللہ کہ جب شب جمعہ آ جائے اب دیر ہے چھ دن باقی ہیں جب شب جمعہ آ جائے دو رکعت کی بات ہے دو رکعت نفل ہے پہلی میں سورہ کافرون دوسرے میں سورہ اخلاص حضرت مالک بن دینار نے فرمایا میں نے معمول بنا لیا جب بھی شب جمعہ آئے میں یہ پڑھتا گیا ہر شب جمعہ میں پڑھتا اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہتا مولا جو اجر تو مجھے دینا چاہتا ہے میں مسلمانوں کی ارواح کو ارسال کر رہا ہوں تو پھر فرمایا قسمت جاگی مقدر چمکا خواب میں میرے مصطفیٰ آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار تم میری امت سے اتنا پیار کرتے ہو اب امت کس کی ہے امت محمدی امت مصطفی کہ ہر شب جمعہ کو پڑھ کر میری ساری امت کو ارسال کرتے ہو تو سنو جب تم میری امت سے اتنا پیار کرتے ہو اور ارسال کرتے ہو تو رب تم سے اتنا راضی ہو گیا ہے رب نے مجھے کہا مالک بن دینار کو بتلا دو رب راضی ہے رب نے مالک بن دینار کو بخش دیا بخش دیا اور رب کی بارگاہ سے یہ بھی بشارت دینا چاہتا ہوں رب نے جنت میں بڑا محل بنایا ہے تمہارے لیے محل ہے اب ذرا غور کریں کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے لیکن ہم اتنا کہہ دیں زبان سے یا دل میں ارادہ کر لیں کہ اس کا ثواب ہم اہل اسلام مرحومین کو ارسال کرتے ہیں تو پھر یاد رکھے گا انہیں بھی فائدہ پہنچے ہمیں بھی فائدہ پہنچے ڈبل ہے ڈبل جس کو کہتے ہیں نا ایک کے ساتھ ایک فری کہہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں ایک کے ساتھ ایک فری لیکن یہاں ایک کے ساتھ ایک فری کیسے ہوگا کہ آپ ارسال کریں اہل اسلام مرحومین کو جب ان کو پہنچے گا تو پھر آپ کو تو از خود فائدہ پہنچے گا اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے اور اس کی شکلیں ہیں یہ لیبل ہے لیبل ٹائٹل ایک ٹائٹل کیا ہے آج فاتحہ ہے کیونکہ بعض لوگ سوئم کہتے ہیں تو بعض لوگ فاتحہ کا لفظ کہتے ہیں اب ہمارے یہاں مہمنوں میں زیارت کہتے ہیں کہ بھائی آج زیارت ہے مگر ہر قوم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے مہمنوں میں زیارت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بعض لوگوں کے منہ سے ہم نے سنا کہ آج فاتحہ ہے باہر میں گیا کراچی کے باہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج فاتحہ ہے اچھا کراچی میں سنا سوئم تو اب آپ اسے فاتحہ کے زیارت کے سوئم کے یا پھر دسواں ہو یا چہلم ہو یا برسی ہو یا عرس ہو یا گیارہویں ہو یا پھر نیاز امام حسین ہو یا خواجہ کی چھٹی ہو یہ نام الگ الگ ہے لیبل الگ الگ ہے ٹائٹل الگ الگ ہے یاد رکھیے گا سب میں یہ بات کامن اور مشترک ہے نیک عمل کیا جائے اس کا ثواب ارسال کیا جائے ثواب دینے والا رب کی ذات ہے اور یہ سب کا سب جو ہے جائز ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین